पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा है। सबसे अधिक वर्षा हुई है वो सुंदरगढ़ के लोहनीपुरम में 11 मिलीमीटर दर्ज की गई है। उसके अलावा हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो झारसुगुड़ा का 42.2 डिग्री दर्ज किया गया, भुवनेश्वर का 37.7 और कटक का 35.8 डिग्री दर्ज किया गया है। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्नल वेदर सिस्टम नहीं है। अगर डे फोरकास्ट की बात करें तो सुंदरगढ़, मयूरभंज, केवंझर, बालासोर, भद्रक, जयपुर, केंद्रपाड़ा, कटक, ढेंकनाल, अनुगुल, रायगढ़, गजपति, कोरापुट और मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार डे वन में वार्निंग भी दी गई है हॉट एंड ह्यूमिड जो है, अब क्योंकि जो टेम्परेचर अभी बढ़ गए हैं और एनवायरमेंट में काफ़ी ह्यूमिड है, इसलिए हॉट एंड ह्यूमिड वार्निंग कोस्ट उड़ीसा को दी गई है 28 तारीख को। 29 तारीख की बात करें तो सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज, बालासोर, कोरापुट, मलकानगिरी में हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है। इसी प्रकार 30 तारीख को भी जो हमारा नॉर्थ उड़ीसा में कुछ डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, गजपति और रंगपुर मलकानगिरी में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 29 और 30 तारीख को जो है हॉट एंड ह्यूमिड रहने की संभावना तो है ही, इसलिए येलो वार्निंग दी है। उसके अलावा हीट वेव आइसोलेटेड प्लेसेज होने की संभावना, उसके लिए सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बोलांगीर और नवापड़ा डिस्ट्रिक्ट शामिल है। डे फोर यानी 31 तारीख को झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज, गंजम, गजपति, रायगढ़, कलाहंडी, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार डे फोर में जो है कि झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज, गंजम, गजपति, रायगढ़, कलाहंडी, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी में लाइटनिंग के लिए येलो वार्निंग दी गई है और गस्ती सर्विंग स्पीड जो है 40-50 के बीच रहने की संभावना है। डे फाइव में भी गस्ती सर्विंग और आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइटनिंग होने की संभावना है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज, केवंझर, अनुगुल, ढेंकनाल, नयागढ़, कंधमाल, गंजम, गजपति, रायगढ़, कलाहंडी, कोरापुट, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट शामिल है। टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करें तो टेम्परेचर अगले 3 दिन तक टेम्परेचर में 2-4 डिग्री सेल्सियस तक बदलाव देखा जा सकने की संभावना है, उसके बाद ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है।